बट दोस्तों OnePlus Nord 4 आ गया हमारे पास, ये चाइना से मंगाया हुआ है इसलिए इसके ऊपर Ace 3 लिखा हुआ है, OnePlus Ace 3 भी रीब्रांड होके इंडिया में वो Nord के ब्रांडिंग के नीचे आ जाता है। अब Nord C4 ऑलरेडी लॉन्च हो गया, अब Nord 4 आ गया। और एक बात कहूं दोस्तों, ये एक परफॉर्मेंस पावर हाउस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लिटरली अगर ये फोन 2021-2022 में लॉन्च होता था तो इट वुड हैव बीटन एनी फ्लैगशिप। इवन 2023 में जो फोन लॉन्च हुए टॉप 3 टॉप 5 में आ जाएगा अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ देखते हो तो। सो इट्स अ वेरी पावरफुल फोन फॉर श्योर। बाकी सब चीजें क्या क्या है वो देखने वाले हैं। बड़े चाइनीज वेरिएंट है दोस्तों, इसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेने वाले जब इंडिया में लॉन्च होगा सब कुछ बताएंगे। और इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या है दोस्तों, इतने सारे लोग आते हैं देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बहुत यूनिक वीडियोस आ रहे हैं, ये सब आपके लिए करते हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, बट सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट सब्सक्राइब। वी वॉन्ट योर फीडबैक दोस्तों, वी वॉन्ट योर फीडबैक। चलिए, रेड बॉक्स है, ब्लैक टेक्स्ट है, लोगों ने कहा कि लेटरिंग मत कीजिए, टेक्स्ट कहिए, तो हम टेक्स्ट कहेंगे, ब्लैक टेक्स्ट है। तो सिम कार्ड टूल स्टिकर्स डॉक्यूमेंटेशन एंड देन यू हैव केस, अलग है थोड़ी, ब्लैक के बहुत बहुत दिनों के बाद दोस्तों ब्लैक केस दिखी है। सो या दैट्स द केस। What? 5,500 mAh की बैटरी है दोस्तों, इट डजंट फील लाइक दैट। 100 वॉट का चार्जर है बट साइज देखिए छोटा हो गया है। आई मीन पहले भी मैंने देखा हुआ है 100 वॉट का इनका पहला चार्जर, वो थोड़ा बड़ा हुआ करता था बट ये छोटा है। एंड USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है, दैट फेमिलियर रेड केबल। ऑल राइट, इधर रेड केबल क्लब वगैरह कुछ नहीं है, वो कार्ड आता है जनरली, इसमें नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड, लेट्स लुक एट द फोन। ऑल राइट, ओह ये तो कलर अगेन, ये जो है ये C4 है, कैमरा का जो डिजाइन है सिमिलर है लेकिन ये देखिए इसमें जो LED लाइट है ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा बड़ा है, ज्यादा सिमेट्रिकल है, इधर नीचे बहुत ज्यादा जगह है और इसके ऊपर डिजाइन है। शायद इंडिया में आ जाएगा दोस्तों प्लेन के जगह पे, आई डोंट नो, आई मीन दे माइट चेंज द बैक, क्योंकि ये जो है ये मुझे ग्लास बैक लग रही है, आई एम नॉट 100% 99% आई एम श्योर। ये जो है दिस इज ग्लास बैक इंडिया में, आई एम नॉट श्योर, बट दिखने के लिए कहूं तो कैमरा मॉड्यूल की वजह से सिमिलर दिखते हैं, थोड़ा बड़ा कैमरा मॉड्यूल है इसमें, दैट्स अबाउट इट। मुझे लगता है ये 200 ग्राम के करीब है, 203-204 ग्राम, बट देखते हैं, लेट्स सी। क्या बात है, 202.4 एग्जैक्ट, आई एम गेटिंग बेटर, वाओ। चलो या सो 202 ग्राम है एंड विथ 5,500 बैटरी mAh बैटरी, आई थिंक दैट इज डिसेंट इनफ। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन है एंड देन वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर बिजी है, वाओ। ऑलराइट, स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है एंड लेफ्ट हैंड साइड में अलर्ट स्लाइडर आपको मिल रहा है, सो ओह नाइस, अलर्ट स्लाइडर है। चलो गुड, लेट्स लुक एट, बाहर से तो देख लिया अंदर से देखते हैं, ऐसे गिरा के देखना है। प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है बट आई थिंक गोरिल्ला ग्लास वगैरह हो गए, चाइनीज वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट आएगा तो सब कुछ आपको बताने वाले, उसके लिए जरूर रुकिएगा। बट स्टार्ट कर दिया है और गिराना तो है ही, लेट्स डू दिस। ऐसे कलर OS आता है दोस्तों, चाइनीज वेरिएंट है उसकी वजह से, लेट्स डू दिस, 1 2 एंड वो कुछ नहीं। डिस्प्ले ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डिस्प्ले है दोस्तों, एब्सोल्युटली नाइस, ये देखिए। एंड अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही पतले बेजल्स हैं, इवन चिन, दिस इज नियरली ऑल डिस्प्ले, जी हाँ, बहुत ही इमर्सिव डिस्प्ले, आई लव इट। वैसे अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.74 इंच का 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले है एंड एडेप्टिव है, 60Hz 90Hz 120Hz। सबसे ज्यादा ब्राइट नॉर्ड फोन है मेरे हिसाब से, क्यों, 2150 nits पीक ब्राइटनेस आती है इसमें, so that is nice and HDR 10 plus का वगैरह support है, so absolutely no problems there। चलिए specifications बहुत important है, तो इधर मैं performance के बारे में बात करने वाला हूँ, Qualcomm Snapdragon 7 plus Gen 3 processor के ऊपर। अब आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, पिछले साल का जो 8 Gen 3 पिछले साल मतलब अभी भी वो flagship है, पर 8 Gen 3 में X core prime core आता है जो performance देता है, इसमें भी वही है दोस्तों। इनफैक्ट 8 Gen 2 में I think it was X3, इसमें X4 है, so performance के बारे में बात करूं तो 8 Gen 2 के नियरली ज्यादा जाता है। हाँ, 8 Gen 2 का जो GPU था दैट माइट बी अ लिटिल फास्टर, क्योंकि RT वगैरह था उसके अंदर, रे ट्रेसिंग गेम्स का सपोर्ट था। इसमें ऑन डिवाइस AI है, RT नहीं है, RT का सपोर्ट नहीं है, बट ऑन डिवाइस AI, एंड आई थिंक दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन RT। क्या लगता है आपको?
वैसे चाइना में इसके तीन वेरिएंट हैं, बेस वेरिएंट जो है वो 12 GB से चालू होता है, 8128 नहीं है, लेकिन इंडिया में जब आएगा तो 8128 शायद बेस वेरिएंट होगा एंड प्राइस भी उस हिसाब से एडजस्ट होगी। उधर दोस्तों 12 256 GB वेरिएंट जो है वो 1999 yuan में आया हुआ है, इसका मतलब प्राइस इसकी कन्वर्ट करते तो 23,000-24,000 के करीब है, 8128 शायद अराउंड 25,000-27,000 में आ जाएगा एंड फॉर दैट प्राइस आपको फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिल रहा है। जी हाँ, अंतुतु स्कोर ऑन पेपर 1.5 मिलियन के करीब है, 1.45 टू 1.5 मिलियन, जो बेसिकली स्कोर 8 Gen 2 भी आपको सिमिलर स्कोर देता था, इसका भी वही है। इनफैक्ट गेमिंग वगैरह आप करोगे हाईएस्ट सेटिंग पे आप खेल पाओगे, चाइनीज वेरिएंट है इसलिए 90 FPS नहीं है, वरना वो भी होगा जब इंडिया में आ जाएगा 90 FPS गेमिंग भी आप कर पाओगे, बेसिकली हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेम्स आराम से खेल पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अभी ये फोन अभी आया हुआ है, हमने इसके ऊपर सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन किया एंड पूरा ग्रीन दिख रहा था, पूरा टेस्ट हम कर नहीं सके कि somehow वो बीच में ही बंद हो जा रहा था, बट आई थिंक 80-82% इसका थ्रॉटल स्कोर है, विच आई थिंक इज अगेन क्वाइट गुड। वैसे अगर मैं नॉर्ड 3 के बारे में बात करूं तो उसका कुछ 70-75% था, ये अराउंड 80-80% के ऊपर होने वाला है, एक्सीलेंट मतलब परफॉर्मेंस के लिए। सोचिए दोस्तों LPDDR5X RAM टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, नॉट इवन 3.1, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, आई मीन परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको 30,000 के नीचे ये परफॉर्मेंस मिल रहा है तो मैं कहूंगा ये फ्लैगशिप परफॉर्मेंस। इनफैक्ट वो जो फ्लैगशिप किलर का जो टैग था ना OnePlus के साथ, वो अब Nord में आ जाएगा ऐसे लग रहा है मुझे। लेकिन एक बात कहूं दोस्तों, OnePlus से एक बात करनी है, एक बात कहनी है मुझे। जी हाँ, अब OnePlus 12R के साथ उन्होंने क्या किया, UFS 4.0 स्टोरेज चाइना में जब लॉन्च हुआ था तो 12R में उन्होंने UFS 4.0 दिया, इंडिया में आने के बाद वो UFS 3.0 हो गया। ये जो बात है ना, ये उन्होंने करनी नहीं चाहिए, आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल गुड। इसमें भी जैसे LPDDR5X RAM टाइप है, 4.0 स्टोरेज टाइप है, वही इधर भी आना चाहिए, वी वांट दैट। बैटरी जबरदस्त है, 5,500 mAh की बैटरी एंड 100 W चार्जिंग है दोस्तों, एंड जो OnePlus की चार्जिंग होती है, यू नो आई एम रियली हैप्पी। एक ही चीज है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, वो होना चाहिए था, फिर तो वो कंप्लीट फ्लैगशिप ही हो जाता सीरियसली। एंड आने लग गए, अगर आप Motorola Edge 50 Pro के पास देखोगे उसमें 50 W वायरलेस चार्जिंग भी दी हुई है, दैट्स क्रेजी। लेकिन एक बात कहूं दोस्तों, परफॉर्मेंस में इतना अच्छा है, व्हाई नॉट कैमरा? आई मीन सभी दूसरे ब्रांड जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, इवन Motorola जो इतना अच्छा कैमरा में नहीं था, कैमरा डिपार्टमेंट में मार खाते थे, एज 50 प्रो के साथ उन्होंने कैमरा सही में बहुत इंप्रूव किया है, बट विद दिस वन आई एम नॉट टू श्योर। जी हाँ, जो C4 में कैमरा सेटअप था वही है, 50+8, इधर भी 50+8 ही दिया हुआ है। अब उसमें दोस्तों LYT 600 सेंसर है, इसमें सोनी का IMX882 सेंसर आता है, बट एक बात कहूं, अगर सेंसर के स्पेसिफिकेशन वगैरह देखोगे तो सेम ही है, तो मेरे हिसाब से 882 एंड LYT 600 कोई डिफरेंस नहीं है, इंडिया में आते आते दोस्तों वो 882 से LYT 600 हो जाएगा। एंड कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज कहूंगा, इट्स नॉट रियली ऑल दैट ग्रेट, जी हाँ एवरेज, स्लाइटली अबव एवरेज। मैं जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, बट अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, ये चाइनीज वेरियंट है, कैमरा थोड़े ऑप्टिमाइजेशन अलग हो जाते हैं, इधर आने के बाद शायद कैमरा चेंज हो जाएगा, वो जब हमारे इंडियन यूनिट का हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो सब कुछ आपको जरूर बताएंगे, बट इसके कैमरा सैंपल्स वगैरह देखने जरूर नीचे जाके देखिए। हाँ, लेकिन वीडियोग्राफी में एक बात अच्छी है दोस्तों, रेयर से आप 4K 60 FPS वीडियो शूट कर पाओगे एंड OIS वगैरह, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। आगे सेल्फी के बारे में बात करूं तो 16 MP का सेल्फी सेंसर आता है। अब OS के बारे में, अगेन दिस इज कलर OS, जब इंडिया में आ जाएगा वो ऑक्सीजन UI हो जाएगा, बेसिकली जो इंजन है वो कलर OS का ही है, वो सब सेम ही है, बट हाँ एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन OS या फिर इसके ऊपर कलर OS मिलता है, बट ये जो है शायद यही एक मिड रेंज फोन होगा जिसमें आपको AI के कुछ रियल फीचर्स मिल रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनेबल्ड। जी हाँ, एक तो ऑब्जेक्ट इरेजर जैसा ही है, जो OnePlus कहता है AIGC रिमूवर, AI से वो बेसिकली बैकग्राउंड वगैरह निकालते हैं, बट यू नो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। जी हाँ, जो क्लीनली वो रिमूव करता है, आई मीन इट इज रियली नाइस, यू कैन सी दैट फिनेस इन इट, मतलब देखने के बाद आपको पता चलेगा भी नहीं कि आपने कुछ निकाला है इधर से, सो बहुत अच्छी तरह से करता है। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 है, 5G है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट आता है, कनेक्टिविटी ऑल देयर, बैंड्स जब आएगा इंडिया में तब आपको बताएंगे। सेंसर सभी है दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। IP65 का सर्टिफिकेशन आता है, 68 नहीं है, IP65 है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। अब इंडिया में जब आएगा तो बाकी के सब फीचर्स के बारे में बताएंगे, बट मुझे मेनली आपको डिस्प्ले परफॉर्मेंस एंड कैमरा के बारे में बताना था, बिकॉज यू नो सब रुके हुए OnePlus Nord 4 के लिए, एंड इट लुक्स एक्साइटिंग, स्पेशली अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, आई मीन फ्लैगशिप, मुझे कोई भी झिझक नहीं होगी ये कहने में कि दिस इज फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस ऑन अ मिड रेंज स्मार्टफोन। जी हां, दैट इज व्हाट OnePlus Nord 4 इज फॉर यू। वैसे आपसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होने वाली है, मेरे हिसाब से अराउंड क्लोजर टू 30,000 ये आने वाला है, सो डू टेल मी आपको क्या लगता है, एंड Nord 4 में क्या होना चाहिए जब ये इंडिया में आ जाता है,
तो क्या क्या फीचर्स और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जो भी लगता है गिव मी फीडबैक इन कमेंट्स। दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है जरूर मुझसे पूछिएगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में सब आपके जो भी सवाल है वो सब कवर करेंगे। ये क्विक था, अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, और अभी भी भूल गए सब्सक्राइब करने के लिए अभी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।